एक तो सीबीआई जब तक अपनी तहकीकात क्योंकि वो पहले आरी जो है वो दर्ज करते हैं, और जब तक उस विषय के संबंध में वो तमाम किस्म की जानकारी प्राप्त ना कर लें, तब तक वो किसी को समन नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपनी तहकीकात कुछ हद तक पूरी की होगी, कागजात इकट्ठे किए होंगे, चीज़ों की जानकारी प्राप्त की होगी, और तभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बुला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है, सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथियों के घर में कोई सोने के बिस्किट मिले? आज तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक के खिलाफ एक रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत केंद्र सरकार की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई। उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आज तक एक नया पैसा भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला। और वो करेंगे तरुण, लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, जहां बीजेपी ने अपनी सफाई पेश की, वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है। देखिए, बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, इसीलिए बीजेपी अपना पक्ष सामने रख रही है। बीजेपी एक तरह से एजेंसी का स्पोक्स पर्सन की तरह तो नहीं है, लेकिन जब आरोप ये लगते हैं कि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनकी निष्पक्षता सवालों के घेरे के अंदर है, एक तरह से सीबीआई को तोता कहा जाता है, और कई जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो सीधे आक्रामक अंदाज के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हैं, और यहां तक भी कहा जाता है कि विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया जाता है, और ये एक राजनीतिक टूल भी आम आदमी पार्टी के लिए साबित होता आया है। 2013 के बाद से लगातार जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की घेरेबंदी होती है, कई बार ये नारा प्रचारित करते हुए आम आदमी पार्टी दिखाई देती है कि वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। इसी को पंजाब की जनता ने सर माथे पर लगाया, दिल्ली की जनता ने 3 बार सर माथे पर लगाया है। लिहाजा आम आदमी पार्टी को पता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका प्रोसिक्यूशन रेट, यानी कि आरोप सिद्ध कितने मामलों में हो पाता है, वो बहुत ही कमतर है। यही एक बड़ी चुनौती है जांच एजेंसियों के समक्ष कि अगर वो किसी बड़े नेता के खिलाफ घेरेबंदी कर रही है तो उनके पास परिपक्व उसके तर्क हो, सबूत हो, जिसके आधार के ऊपर अदालत के अंदर जो आरोपी हैं वो बरी ना हो जाएं। और यही वजह है जिसके कारण विपक्षी पार्टियां आक्रामक तरीके से सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने की कोशिश करती हैं, और कहती हैं कि जो बीजेपी में चला जाता है उनके आरोप धुल जाते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? 12 बजे अरविंद केजरीवाल की बैठक है और उसमें देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तरुण, तमाम जानकारी के लिए।